दोस्तों स्वागत है आप सभी का। हाल ही में जो आईक्यू आने वाले है एक लाइन सा लग गया है और एक ही दिन में मैं देख पा रहा हूँ। आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आईक्यू यहाँ पे दिख रहा है जो लगभग एक ही साथ खुलेंगे और एक ही साथ क्लोज होंगे। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हो गया, टाटा टेक्नोलॉजीज, गंधर ऑयल रिफाइनरी, फेड बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप देखिए कहाँ आपको मतलब इतना मौका एक साथ कैसे आ गया, आई डोंट नो, लेकिन मतलब बहुत ही टफ चॉइस है। इतना पैसा लोगों के पास होता भी नहीं है, एक आईपीओ लगाने के बाद दूसरा आईपीओ कम से कम एक हफ्ता बाद आता तो सही रहता, लेकिन नहीं, सबके सब एक साथ आ गया है। एनीवे इसमें से हम जिसमें डिस्कस करेंगे जिस आईपीओ के बारे में वह है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज के ये जो है ये ओएफएस लाए हुए हैं, ये आपका जो है इसमें शेयर होल्डर्स जो है वो अपना शेयर बेचेंगे तो इससे जो पैसा रेज होगा वो कंपनी को नहीं मिलेगा, जो पुराना शेयर होल्डर्स जो है उनको ये पैसा मिलेगा और वो बेच के पैसा कमाएंगे। फेस वैल्यू इसका 2 है और प्राइस बैंड 475 से लेकर 500 है और ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना है तो 500 रुपीस में अप्लाई करना है। एक लॉट में आपको 30 शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो रिटेल्स है, रिटेलर्स के लिए 35% शेयर रिजर्व है और आप देख सकते हैं मैक्सिमम 13 लॉट आप लगा सकते हैं, मतलब 1,95,000 का आप यहाँ पे दाव लगा सकते हैं। आईपीओ ओपन होगा नवंबर 22 को, क्लोज होगा 24 को और लिस्टिंग डेट जो है वो दिसंबर 5 है, लेकिन एक बात मैं कह दूं आपको, ये दिसंबर 5 ना होके आपका 4 भी हो सकता है, क्योंकि आजकल जो डेट हो गया विद इन 3 डेज आपको मतलब लिस्टेड करवाना होता है, तो कोई कोई 5 के जगह 1-2 दिन पहले ही लिस्टेड करवा देते हैं, तो वो आपको देखना है। हालांकि यहाँ पे जो डेट है वो टेंटेटिव है, एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। आईपीओ का लिस्टिंग डेट जिस हिसाब से लिखा होता है उसके 1 या 2 दिन पहले ही वो लिस्ट हो जाता है और बाद में एंट्री का मौका भी नहीं मिलता। जो प्रोमोटर होल्डिंग होंगे पोस्ट इशू 55.39% होगा। ये जो कंपनी है ये 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये काम करता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजिटल सॉल्यूशंस, टर्नकी सॉल्यूशंस, ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ये टू टायर वन सप्लायर। सब देख सकते हैं इनका जो टाटा का ब्रांड है वो रिप्यूटेड ब्रांड है और हर कोई इसमें बिलीव करता है। प्रॉफिट आप देख सकते हैं साल बर साल वो इंक्रीज होता गया है और ये कुछ पैरामीटर्स है जो आप चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं और इसमें ऑब्वियसली मैं अप्लाई करूंगा, 2-3 लॉट के लिए अप्लाई करूंगा, बाकी जो आई पी है उसमें तो पैसा नहीं लगा पाऊंगा, इसमें ही लगाऊंगा और मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो लॉन्ग टर्म का रहेगा। उससे बाद आपको देखना है इनका वेबसाइट, ऑब्वियसली वेबसाइट विजिट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। ये सॉल्यूशन देता है इंजीनियरिंग इंजीनियर द नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ कनेक्टेड एंड ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें ये एक्टिव है। रीइमेजिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट जेनरेशन डिजिटल एंटरप्राइज, इसमें है। बिगर चैलेंज बेटर अपॉर्चुनिटीज, आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं ये सब, आप वेबसाइट अगर चेक करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कोई भी आईपीओ अप्लाई कीजिए सिर्फ यही नहीं, उस कंपनी का वेबसाइट आपको चेक करना ही है। ऑटोमोटिव में एक्टिव है, इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी में एक्टिव है, एरोस्पेस में एक्टिव है। एक्सीलरेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू पैसेंजर एक्सपीरियंसेस, इनका जो पार्टनरशिप्स किसके साथ करके रखे हुए वो भी आप देख सकते हैं और कुछ जानना चाहते तो आप जान सकते हैं। एक्सपर्टाइज में देखते हैं क्या है इसमें। इंजीनियरिंग एंड R&D, डिजिटल एंटरप्राइज, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी, एरोस्पेस, ये सब में है। तो और क्या ही कहें इसका, अगर हम GMP देखें तो GMP भी में भी कम से कम 30-40% देख रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि GMP सिर्फ एक इंडिकेटिव
नंबर से एक्चुअल नहीं है, वो कम ज्यादा होता रहता है। 69% जीएमपी है, उस हिसाब से 850 के आसपास ये लिस्ट होगा, 500 के जगह 845 के आसपास जब जीएमपी का वैल्यू दिख रहा है ना, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं पहले से बताता हूँ, ये एक इंडिकेटिव नंबर है, एक्चुअल नहीं है। और ये वीडियो जो है वो ओनली आपका एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। अगर इसमें निवेश करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का मदद जरूर लीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, और ये जो वीडियो मैंने अपलोड किया है ओनली नॉलेज पर्पज से ही अपलोड किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।